एक समय की बात है, एक गांव में एक सास थी। उसकी चार बहू थी। कार्तिक का मास आया। सास ने बहुओं से पूछा कि मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मेरे साथ कौन चलेगा? तीन बहुओं ने तो मना कर दिया। छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक स्नान करो, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सास बहू जल्दी उठी, सारा काम किया, नदी पर जाकर सास ने स्नान किया। बहू सास की साड़ी धोने लगी, कपड़े कभी धोए हुए नहीं थे तो बहू से साड़ी निचोड़ी नहीं गई। घर आकर झड़ झड़ती साड़ी सुखा दी, मन लगाकर सास की सेवा करी। स्नान से निवृत्त होते ही सास को जरूरत के सब सामान देती। इस बहाने सास के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। काती माता उससे प्रसन्न हुई। जहाँ साड़ी का पानी झड़ता वहाँ पर सोने की चीपे हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया, धन से घर भर गया। कार्तिक का महीना पूरा हुआ। बहू बोली, सासू जी जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ और दान धर्म करो। सास बोली, कहाँ से करूँ, घर में तो कुछ भी नहीं है। बहू बोली, जितना इच्छा हो ले लो और सब वैभव दिखाया। सास बोली, तू इतना सारा कहाँ से लेकर आई है? बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखाती, इसके पानी झड़ने की जगह धन का ढेर लग गया। धूमधाम से सास बहू ने ब्राह्मण जी माए दान धर्म किया। जिठानियाँ चकित रह गई, देवरानी से पूछने लगी, तूने ऐसा क्या किया जो इतना सारा धन हो गया? देवरानी बोली, मुझे सासू जी की साड़ी ठीक तरह से निचोड़ना नहीं आता था, साड़ी झड़ती, उसके पानी की जगह धन का ढेर हो गया। जिठानियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान करवाएंगे। कार्तिक का महीना आया। तीनों बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक स्नान करो, हम आपका नियम निभाएंगे। सास बोली, तुमसे जल्दी उठा नहीं जाता तो कैसे करोगी? बहू बोली, हम जल्दी उठकर साथ चलेंगी, आप नहाओ तो सही। कार्तिक का महीना आया। सास स्नान करने गई, बहू साड़ी धोती तो बहुत सारा पानी रखती और सुखा देती। एक जनी चाय बना कर देती, दूसरी पूजा का सामान निकाल कर देती, तीसरी साथ जाती। ऐसा करके तीनों ने महीना पूरा कर दिया और सासू जी को कहने लगी, सासू जी मन आवे जितना दान धर्म करो, ब्राह्मण जी माओ। सास बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूं? बहू बोली, हमारे साथ चलो और साड़ी के झड़ते पानी को धन के रूप में देखने गई, पर देखती है कि वहाँ सांप बिच्छू इल्लियाँ हो गई। सास बोली, बहू ये क्या किया? बहू दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ? तो देवरानी बोली, मुझे तो राई दामोदर जी ने प्रसन्न होकर दिया है, काती माता प्रसन्न हुई है। तीनों बहू कार्तिक माता के पैर पकड़कर विनती करने लगी, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? कार्तिक माता बोली, छोटी बहू भोली थी, तुम सबने तो पहले ही मना कर दिया, पर उसका धन देखकर तुम्हें ईर्ष्या हो गई, जिससे तुमने सास को भले ही कार्तिक स्नान करवाया, झड़ झड़ती साड़ी सुखाई, पर तुम्हारा खोटा पना तुमको मिल गया। तीनों ने अपनी भूल की क्षमा मांगी।
अब काती माता ने कहा, तुम्हारे धन का आधा देवरानी को दे दो, तब ये सांप बिच्छू चले जाएंगे। तीनों ने अपना आधा आधा धन देवरानी को दे दिया। सांप बिच्छू सब अदर्श हो गए और उनका घर पहले जैसे हो गया। इधर देवरानी बोली, अब क्या मुझे धन देते हो? अब तो राई दामोदर जी की मुझ पर कृपा हो गई है। हे काती माता, हे राई दामोदर भगवान, जैसे छोटी बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न होना। बड़ी बहुओं से जैसे रुष्ट हुए, वैसे किसी से मत होना। खोटी की खरी अधूरी करो सबकी पूरी। तो बोलो काती माता की जय हो, राई दामोदर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सात भाइयों की एक बहन रहती थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो सभी की बात सुनती थी, पर विनायक जी महाराज का जैसे ही कोई नाम लेता तो वह झट से नाराज होकर चली जाती थी। वह विनायक जी महाराज की पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन उसे नाराज होकर विनायक जी को उस पर गुस्सा आ गया। विनायक जी महाराज ने बहन को सबक सिखाने के लिए उसे भयभीत करने लगे। विनायक जी महाराज ने बहन को ऐसे भयभीत किया कि वह धीरे धीरे दिन रात सूखने लगी। भाइयों ने उसका दुख पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल हो जाते। सातवां भाई बहुत चतुर था। उसने आधी रात को वेश बदलकर विनायक जी महाराज को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो जो मेरी बहन के साथ छल करते हो? तुम्हारी वजह से मेरी बहन बहुत परेशान रहती है और वह ठीक से खाना पीना भी नहीं खा पाती है। वह दिन रात सूखती चली जा रही है। इसके कारण हम भाइयों को बहुत दुख होता है। तुम मेरी बहन को ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? तब विनायक जी महाराज बोले कि मैं विनायक जी हूँ। तेरी बहन तुम्हारी सारी बात मानती है, लेकिन मेरी पूजा पाठ नहीं करती है। मेरा नाम सुनते ही वह दूर चली जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि इसका कोई उपाय बताओ। तो विनायक जी महाराज बोले कि कोई भी कहानी सुनो तो विनायक जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ करो, कोई भी व्रत उपवास करो, जब भी कहानी सुनो उस कहानी के बाद मेरी कहानी अवश्य सुनो, तभी उस व्रत का आपको फल मिलेगा। बहन ने उस दिन से रोज नियम रखा कि वह विनायक जी महाराज की कहानी सुनेगी और पूजा पाठ कर ही खाना खाएगी। उसने गणेश जी महाराज से प्रार्थना की तथा समा याचना भी की। फिर क्या था, गणेश जी महाराज उससे प्रसन्न हो गए और गणेश जी महाराज ने बहन को सब प्रकार की खुशियां प्रदान की। उसे अच्छा वर दिया तथा उनके घर में अन धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस लड़की को आशीर्वाद दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबको मनवांछित फल देना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।